हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, व्हाट इज कंप्यूटर। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा और भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ये सभी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग जो होती है, जब भी हम कंप्यूटर के बारे में समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं और ये सब बच्चों को पता होने चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को सबसे पहले या फिर बड़ी क्लासेस में भी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ पर हमने लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफली, तो हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर के बारे में जानना होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट डेटा, स्टोर्स देन प्रोसेस्ड इट एंड गिव आउटपुट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, इनपुट लेता है, सॉरी इनपुट, हाँ विच टेक्स इनपुट, मैंने सही बोला है, विच टेक्स इनपुट, स्टोर्स एंड देन प्रोसेस्ड इट। इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद हमारा क्या होता है, आउटपुट देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करती हूँ, ए बी सी डी समथिंग कुछ भी मैंने टाइप किया, तो वो मेरा क्या है, इनपुट है, ठीक है, वो टेक्स्ट पार्ट है। टेक्स्ट हमने कुछ डिफाइन किया और उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी ए टाइप किया तो ए नज़र आएगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फिर आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बैबेज ने, और चार्ल्स बैबेज क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। उसके बाद आता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले इनपुट, इनपुट क्या होता है, इनपुट जैसे मैंने अभी बताया है कि हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, तो किसकी हेल्प से करेंगे, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो भी डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट प्रोसेस, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है, सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर लास्ट में जो हमें दिखता है वो क्या होता है, आउटपुट, ठीक है, जो कि हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं आउटपुट, लास्ट वाला जो हमारा दिखता है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सभी हमारे किस में आते हैं, हार्डवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस जैसे हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, सीपीयू हो गया, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं, जैसे मेमोरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। स्टोरेज का मतलब है जहां पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम मीन्स जैसे कि आपने एग्जांपल, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो आपको विंडो नजर आती है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है,
वो एक टाइप के क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, उसमें हमें काम कैसे करना है, जब तक हमारे सिस्टम में एप्लीकेशंस नहीं होंगी तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस है, हमें कुछ डाटा टाइप करना है तो हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें एक क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे हमें काम करना है, वही हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट हैज फास्ट स्पीड। ठीक है, क्या क्या खूबियां होती हैं कंप्यूटर की, सबसे पहली है कि इसकी फास्ट स्पीड होती है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, कोई भी कंटेंट है, वो हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, कभी गलत नहीं होगा। इट हैज मोर स्टोरेज यूजिंग स्टोरेज डिवाइसेस। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और स्टोरेज डिवाइस का यूज करके भी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन मेनली मैनी फील्ड्स लाइक बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल। ये बहुत जगहों पर यूज किया जाता है कंप्यूटर, आजकल सभी जगह कंप्यूटर यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल्स। इट प्रोवाइड्स एक्सेस इन वेरी हाई स्पीड। हमें जब भी एक्सेस प्रोवाइड कराता है ये, मतलब कि हम जब भी कोई काम करते हैं इसमें तो कैसे करते हैं, हाई स्पीड पे काम करते हैं। उसके बाद इट नेवर टायर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसकी खूबियां हो गई कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब मैंने इसमें बताया, व्हाट इज कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।